स्टूडेंट्स मैं साल विशाल शंकर असिस्टेंट प्रोफेसर है जो प्रीवियस लेक्चर उसमें से एक दो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वट इज द जोमेट्रिकल स्पेसिफिकेशन मतलब ज्योमेट्रिकलिफाइड करेंगे कैसे चूज़ करेंगे हमें जो रिक्वायरमेंट है और दूसरा था हमें उसका कंपोजिशनल स्पेसिफिकेशन जैसे से दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था कि जैसे अग्रेसिव ग्रैंडिंग व्हील का एग्रेसिव क्या है बॉन्ड क्या है किस बॉन्ड के बिहार पे हम सेलेक्ट करना है सो इन दिस टॉपिक वी आर कंटिन्यू फ्रदर एंड स्टार्ट ग्राइंडिंग ग्रैंडिंग स्पेसिफिकेशन बेसिकली वी आर स्पेसिफाइड ग्राइंडिंग विल ऑन टू कैटेगरीज

या फिर स्पेरकल शेप है जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने दिखाया था डिफरेंट शेप्स ऑफ द व्हील्स को तो वो डिसाइड करते हैं तो अगर हम ज्योमेटिकल से स्टार्ट करते हैं तो जोमेटिकल दिस इज डिसाइड टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन एंड द ग्राइंडिंग ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन द वर्क पीस जैसा कि इसने बोला कि जैसा हम ऑपरेशन करना है उस हिसाब से हम चूज़ करेंगे अगर हमें कोनिकल शेप करना है ठीक है अगर सपोज करो कि हमें कोई बहुत ही स्मॉल लेवल पे होल्स है उसके इंटरनल हमें फ़िनिशिंग करनी है जैसे कि हमने बताया कि अगर हमारे टथ के अंदर अगर कोई ऐसी कैविटी क्रिएट हो रही है और शार्पनेस बहुत ज़्यादा है कि जो हमें कभी कभी हमारे इंटरनल्स पार्ट्स को डैमेज कर दे रहा है माउथ के अंदर को तो हम उसको शार्पनेस को रिड्यूस करने के लिए स्मॉल लेवल पे जैसे कि बर्ड्स आते हैं ईयर बर्ड्स उस स्मॉल लेवल पे हम ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं और उसको हम रोटेट करा के वहाँ पे शॉर्पनेस को रिड्यूस करा देते हैं तो जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम हमें ऑपरेशंस के हिसाब से जोमेटिकल स्पेसिफिकेशन हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमें तब उसी हिसाब से सेलेक्ट करते हैं ठीक है और इसके जो पैरामीटर्स हैं शेप डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील विड्थ ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एंड बोर डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील ये तीन मेन पैरामीटर्स हैं कि जिसके बिहार पर हम जोमेटिकल स्पेसिफिकेशन को हम डिसाइड करते हैं सेकेंड की अगर हम बात करें तो कंपोजिशनल स्पेसिफिकेशन कंपोजिशनल स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर ये इस पर पूछा जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं तो मेनली पांच ही होते हैं अगर हम बात करें कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो एब्रेसिव ग्रेन साइज ग्रेड साइज स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड ग्रेन साइज को ग्रेट साइज भी कहते हैं एब्रेसिव की मतलब ये हुआ कि कौन सा एब्रेसिव पार्टिकल्स आप यूज़ करो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नेचुरल और आर्टिफिशियल के भी आप पे हम उसको डिवाइड करते हैं तो पहला जो पॉइंट है हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स है तो एब्रेसिव पार्टिकल्स में क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग मिल जिसका बना होता है दैट्स पार्टिकल वॉज नोन एब्रेसिव पार्टिकल्स इट इज अ मेड ऑफ हार्ड मटीरियल विच इज इन द पाउडर फॉर्म वेरी स्मॉल शॉप क्रिस्टल शॉप कटिंग एज की उनके होते हैं वो दे आर इन द शॉप हैविंग शॉप कटिंग एज और दे डिवाइड इन टू कैटेगरीज है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल नेचुरल मीन्स दे ऑप्टेन फ्राम दट नेचर डायरेक्टली अगर जो चीज़ हमें आई हम मैंने उसको पॉडर फॉर्म में कन्वर्ट किया और कास्टिंग करके हमने विल बना दी तो ये नेचुरल हो गया आर्टिफिशियस उसके हमने हार्डेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमने उसमें अलॉइंग की किसी दूसरे मटीरियल के साथ हमने उसकी अलॉइंग की और एक नया मटीरियल बना के हमने उसको कास्टिंग करके हमने ग्राइंडिंग विल बना दी आर्टिफिशियल नेचुरल में हमने अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं सिल्क कार्बाइड है सैंड पेपर आप देखते हो जिसे एमरी पेपर कहते हैं वो भी आप देख सकते हो ठीक है दे आर द नेचुरली ठीक है आर्टिफिशियल में आप ले सकते हो कि आप सी क्यूबिक बुरान नाइट्राइट ठीक है सेरामिक आप दे यूज़ कर सकते हो ग्लास पाउडर को ही आप बात कर सकते हो ठीक है सेकेंड पॉइंट है इसका जो कि हमारे ऊपर वाले पॉइंट्स में जो है, फिफ्थ में बॉन्ड ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इनको हम बहुत स्लाइटली हम बात कर रहे हैं बॉन्ड बॉन्ड दे आर सबस्टेंट विच दैट दैट इज इम्प्लॉय टू होल्ड एब्रेसिव ग्रेन टुगेदर एब्रेसिव ग्रेन को जो इंटराटामिक बॉन्डिंग जो इनके बीच में हो रही है उनको जो होल्ड टुगेदर जो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो बॉन्ड से ही आ रही है वो बॉन्ड हम जो है यूज़ करेंगे वो सलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा कि कितना आप डेप्थ ऑफ कट यूज़ कर रहे हो कौन सा कुलेंट यूज़ कर रहे हो क्या प्रोसेस है कंटिन्यूस है ऐसा स्मॉल लेवल पर यानी हैवी वर्क मशीनिंग करनी है या बहुत ही स्मॉल मतलब लो कैपेसिटी मशीनिंग करनी है सो वी डिसाइड बॉन्ड कि कौन सा बॉन्ड चूज़ करना जैसे है जैसे रबर बॉन्ड है बहुत ही लाइटली है वर्कपीस के लिए होता है ड्राई के लिए होता है ठीक है सेलक बॉन्ड बात हुई थी वेट्रीफाइड बॉन्ड uh, है हमारे पास ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड है बहुत सारे ब्रांड बॉन्ड हैं जो कि एब्रेसिव पार्टिकल्स को बॉन्डिंग करने के लिए यूज़ होते हैं और उसको हम वो केमिकली हम कैसे सेलेक्ट करेंगे केमिकली प्रॉपर्टीज़ के साथ उनको डिसाइड कर किया जाता है नेक्स्ट है जो हमारा ग्रेट साइज़ जिसे हम ग्रेन साइज़ भी कहते हैं बेसिकली ये होता है अप्रोक्सीमेट साइज़ ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स पार्टिकल्स का साइज़ क्या है वो ये है हमारा ग्रेट साइज़ ठीक है ये जो बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे कि एक यूनिट एरिया हमारे पास है उस यूनिट एरिया में ये सपोज करो कि ये यूनिट एरिया है हमने ले लिया एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर इंच हमारे पास यूनिट एरिया है वट एवर यू चूज ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स स्क्वायर इंच ही हो एक्स स्क्वायर मीटर आप जो भी चूज करना हो चूज कर सकते हो बट स्टैंडर्ड जो है कि मतलब इंच में ही देखा गया है कि मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर इंच एरिया में वो कितने पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स के भी हाँ पे हम साइज डिसाइड करते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस ब्लैक बोर्ड सॉरी डिस्प्ले बोर्ड की बात कर दें तो डिस्प्ले बोर्ड पे अगर हमें कोई चीज़ एडिशन करनी हो तो अगर उसका साइज ज़्यादा होगा तो वो इस पर कम आएंगे तो पर्टिकुलर एरिया में कितने में वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हो गए लेकिन अगर वो स्मॉल साइज़ के होंगे तो पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेन डिजिग्नेशन और ग्रेन साइज़ या ग्रिट नंबर कैसे हैं ठीक है

साइज उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो क्या करेगा दीवार को रब करने के काम आता है ताकि सरफेस रफनेस बढ़े हम कोटिंग करें वाइट वॉशिंग के टाइम पे तो वो बॉन्डिंग अच्छी हो लेकिन अगर हमें थोड़ा और फिनिशिंग देना होता है तो एमरी पेपर का नंबर हम ज़्यादा चूज़ करते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ से हम करते हैं ठीक है आप इसको जो हम कैटेगराइज करते हैं कोर्स मीडियम फ़ाइन और वेरी फाइन जिसमें से ये जो तीन है हमारे पास कोर्स मीडियम और फाइन ये यूज होते हैं ग्राइंडिंग में अगर हम वेरी फाइन पे चले गए तो वेरी फाइन का मतलब हुआ कि सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन की हम बात कर दे रहे हैं और से में हम यूज कर सकते हैं सुपर फिनिशिंग के लिए या एकदम शाइनी सर्फेस हमें चाहिए वहां पर हम वेरी फाइन को प्रीफर करते हैं एंड यू कैन सी अबाउट साइज नंबर या ग्रेड नंबर टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी फोर यू कैन एज्यूम दैट हाउ मच लार्ज इन द साइज एक स्क्वायर इंच में अगर आपने टेन नंबर का रखोगे तो ऑबियस सी बात है कि टेन नंबर अगर वो ग्रेन साइज़ है तो कितना उसमें दस ही आ रहे हैं स्क्वायर इंच में तो दस आने का मतलब क्या होगा उनका डायमेंशन ज़्यादा होगा एक कमरे में अगर सेम एरिया है उसमें कहाँ दस ही लोग सिर्फ खड़े हो पा रहे हैं और कहाँ डेढ़ सौ लोग खड़े हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो आदमी खड़े हो रहे हैं उनका साइज वो रिड्यूस हो रहा है तभी तो डेढ़ सौ खड़े हो रहे हैं तो वो दुबले पतले हैं और जो दस हैं वो बहुत ही हैवी हैं तो जो हैवी होगा तो जो पार्टिकल का साइज बड़ा होगा वो सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए नहीं होगा वो फिनिशिंग भी नहीं करेगा वो ग्राइंडिंग करेगा सर्फेस में ज़्यादा देगा तो हमें थोड़ा सा और साइज तो जब भी हमें फिनिशिंग चाहिए होगा तो ग्रीन साइज नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा ये यह यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि ग्रेन साइज को हमें यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा और यहीं से आप समझोगे कि कोर्स और डेंस क्या होता है ठीक है हम आगे इस टॉपिक को देंगे तो ग्रिड साइज क्या होता है बेसिकली एक यूनिट एरिया में एक पर स्क्वायर यूनिट इंच एरिया में कितने नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं ठीक है वो डिसाइड करता है ग्रिड साइड या ग्रेन साइज इसको हम कैटेगराइज करते हैं कोर्स मीडियम फाइन और वेरी फाइन में नौ ग्रेड ग्रेड का मतलब होता है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ किसका एब्रेसिव पार्टिकल्स का तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन द व्हील जो एब्रेसिव पार्टिकल्स के एक दूसरे से व्हील जुड़े होते हैं उनके बीच में जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम ग्रेड से डिसाइड करते हैं जैसे हम कहते हैं कि हाई ग्रेड है ये लो ग्रेड है तो यहां पे भी जो ग्रेड होता है हम उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं तो ग्रेड का मतलब यहाँ कि इसकी स्ट्रेंथ से मतलब है पावर ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स टू हेल्ड टुगेदर मैंने लास्ट लाइन में जो यहाँ पर लिखा है कि द पावर ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स टू हेल्ड टुगेदर तो अगर उनका पावर कम है तो वो एक दूसरे के हेल्डिंग क्या करेंगे टुगेदर मतलब कि जो एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे वो तो वीकली कर देंगे तो वो ब्रेक कर जाएंगे ब्रेक करेंगे तो हमारी मशीनिंग ख़राब हो जाएगी एब्रेसिव व्हील्स जो हमारा होगा उनकी वेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो हमारा उनका जो उनका ग्रेड होगा स्ट्रेंथ होगा वो इसी से डिसाइड होगा उसको तीन कैटेगरी में है सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो ग्रेड हम यूज करेंगे वो ऐसे चूज करेंगे ए टू एच अल्फाबेटिकली यहां पर सिलेक्शन है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक अगर बात करेंगे तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए और अगर हम हार्ड मटेरियल की बात करेंगे क्यू टू जेड यानी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अगर इनमें से कोई भी सैंपल यूज किया गया है अगर व्हील के ऊपर अगर आप देखोगे जब परचेज करने जाओगे तो इनमें से कोई भी सैंपल यूज किया हो तो दैट डिनोट द ग्रेड और अगर वो किसी नंबर में है तो वो नंबर शो करेगा क्या उसका ग्रेड या ग्रेड साइज अल्फाबेटिकली अगर सिंगल है तो वो उसका ए एल है सी है तो वो डिसाइड कर देता है स्टार्टिंग में वो उसका क्या किस मैटरियल मटेरियल का बना हुआ एब्रेज पार्टिकल्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चरल या कंसनट्रेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में क्या स्ट्रक्चर है कितने हैं कम है कि ज़्यादा जैसे कि हमने कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमने लिख दिया पर्टिकुलर एरिया में हमने क्या किया कि कोर्स वाले को ही हमने ज्यादा रख दिया जैसे कि हमने पर्टिकुलर एरिया में जो ग्रेट साइज है ये आपका ग्रेट साइज मान लीजिए हमने मीडियम उठा लिया फिफ्टी एक पर्टिकुलर एरिया में पर स्क्वायर इंच में हमने 54 को ही फैला दिया बहुत दूर दूर, दूर तक 54 पार्टिकल्स रख दिए। और फिर हमने पर्टिकुलर एरिया में उतने में सौ रख दिया तो 54 वाला डेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि वो दूर दूर है ओपन तो स्ट्रक्चर कहेंगे

सेम एरिया के हमने ग्राइंडिंग व्हील का लिया फ्रंट व्यू देखा हमने तो हमने फ्रंट व्यू पे हमने क्या किया ये दिया ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया अब यहां पे आप यू कैन सी हियर इट इज अ डेंस बिकॉज देयर इज अ नो स्पेस बिटवीन दीज टू एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड इट इज अ क्लोज या ओपन क्योंकि इनके बीच में स्पेस है यू कैन सी इट इज अ हाई डेंसिटी इट इज अ लो डेंसिटी बउट द सेम एरिया सो यू कैन नेम्ड इट इज अ डेंस और क्लोज स्ट्रक्चर क्योंकि बिकॉज दे आर क्लोज अ डेंस एंड इट इज अ ओपन स्ट्रक्चर सो स्ट्रक्चर मीन्स बेसिकली डिसाइड कि स्ट्रक्चर टर्म्स डिनो दिंग बिटवीन द एब्रेसिव ग्रीन एब्रेसिव ग्रीन के, के बीच में कितनी कितनी जगह बची पड़ी है ठीक है तो जो डेंस और इसकी बात होती है उसको हम तीन कैटेगरी में करते हैं और जो उसका नंबर है जीरो टू ट्वेल्व के बीच में डिसाइड करते हैं जीरो टू थ्री मीन्स कि ओपन है ओपन स्ट्रक्चर है ठीक है मीडियम स्ट्रक्चर है फोर टू एट ठीक है क्लोज स्ट्रक्चर है नाइन टू ट्वेल्व ठीक है तो ये तीन कैटेगरीज में इसको हम डिसाइड करते हैं अब ये सारे के सारे जो हमने ए टू जेड आपको बताया या फिर टेन ट्वेल्व फोर्टीन या फिफ्टी फोर बताया जो नंबर न्यूमेरिक नंबर बताया अभी जो बता रहा हूँ जीरो टू ट्वेल्व ये सारे ग्रैंडिंग वेल स्पेसिफिकेशन में आपको काम आएगा ये इसी कोडिंग के भी आप हाँ पे होगा और अब आता है ग्रैंडिंग वेल स्पेसिफिकेशन दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कंपिटेटिव एग्जाम में भी पूछ देता है सीरियल वाइज दे के पूछ देगा व्हाट इज द व्हाट टर्म डिनोट दिस अगर फिफ्थ नंबर पे जो है वो क्या डिनोट कर रहा है फोर्थ नंबर पे वो क्या डिनोट कर रहा है या ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में आ, कितने कंपोनेंट्स होते हैं तो बेसिकली यहां पे फाइव कंपोनेंट्स हैं एब्रेसिव ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड ठीक है, है? ये हमारा एब्रेसिव ग्रेन साइज या ग्रेड साइज ठीक है ग्रेड स्ट्रक्चर एंड दिस इज और भी कई तरीके हैं इसमें करने के लिए एक एक करके हम उनको समझते जाएंगे कि कितने तरीके हैं जिससे हम इस पर स्वाइट करते हैं तो अगर हम बात करें तो ये पहला एक जो सबसे सिंपल है अगर इसमें अगर कहीं पे आपको ग्राइंडिंग व्हील आप परचेस करने जा रहे हो और उसके बॉक्स पे फाइव डिजिट मेंशंस हैं तो आप उनको ऐसे समझोगे कि पहला अगर वर्ड यूज है तो वो एब्रेसिव टाइप्स डिसाइड करेगा सी है तो एस आई सी एस का कार्बाइड है ए है तो अल्मोनीम है अगर उसमें भी अगर कलर दे रखा है पिंक ब्राउन या ब्लैक ग्रीन तो वो उसका अलग टाइप्स का है क्योंकि इन सब में भी अलग अलग कैटेगराइज़ है अल्मोनियम ऑक्साइड है ठीक है ये ऑक्साइड में पिंक है एलमुनीम ऑक्साइड पिंक और उसमें और भी दो कर, एक कलर हैं जो मैंने पहले बताया था आपको पिछले लेक्चर में ठीक है तो पहला लेक्चर जो लेटर होगा ये जो डिनोट करेगा टाइप्स ऑफ एब्रेसिव डायमंड भी हो सकता है डायमंड का भी सिंबल होगा कुछ ना कुछ ठीक है तो कंपनी के जब भी आप परचेज करने जाओगे एब्रेसिव एब्रेसिवल उसका कैटलॉग आपको मिलेगा उसमें वो बता दिया रहेगा कि वो जिस कंपनी के है कि हमारे यहाँ ये सिंबल यूज़ हो रहा है इस मटेरियल के लिए माइट बी दे यूज़ फॉर नेचुरल डायमंड्स के लिए अलग यूज़ कर रहे हो दूसरी कंपनी कुछ और सिंबल यूज़ कर रही हो तो वो बताएंगे वो और एज पर स्टैंडर्ड वो कॉमन है तो वो मेंशन कर रहेगा उसमें वो भी मेंशन रहेगा ठीक है सेकंड जो डिसाइड करेगा वो ग्रेन साइज कि मतलब हमने आपसे बताया था कि ग्रेन साइज़ क्या है जो हमने डिसाइड कर रहे थे टेन ये वाला ये टॉपिक था हमारा कि ग्रेन साइज क्या है तो थर्टी थ्री था तो थर्टी थ्री यू कैन सी यर को वो मीडियम रेंज में है थर्टी थ्री यहाँ से आप देख सकते हो कि थर्टी थ्री कहाँ आएगा मीडियम रेंज में आएगा ओके थर्ड नंबर पर जो है हमारा स्ट्रक्चर ग्रेड जिसको हमने पी दे रखा है पी तो पी का मतलब क्या हुआ पी पी जो हो रहा है किस में आ रहा है आई टू पी मेटेरियल मीडियम अच्छा ये जो रेंज इसलिए दी जाती है कि सबका रेंज होगा क्योंकि एग्जैक्ट हम किसी की ग्रेड की बात नहीं कर पाएंगे या एग्जैक्ट हम किसी ग्रेन साइज की बात नहीं कर पाएंगे हर अगर हम कास्टिंग करेंगे जैसे जैसे तो साइज के हिसाब से उसकी ग्रेन साइज में वेरिएशन आएगा तो इसलिए हम रेंज दे रहे हैं यहां पे ठीक है नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर कि मीडियम डेंस या ओपन या क्लोज क्या है वो तो वो जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे जीरो टू थ्री फोर टू एट और नाइन टू ट्वेल्व तो वो वहाँ पे रहेगा यहाँ पे अगर फाइव दे रखा है तो जीरो टू थ्री एंड फोर टू जीरो टू थ्री फोर टू एट तो फोर टू एट का क्या मतलब हुआ ये मीडियम में है आर क्या है रबर बॉन्ड है आर जो है लास्ट का जो से है वो बॉन्ड बताता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन सा यूज हुआ उस विल में वो है उसका मतलब ये कि ये रबर बॉन्ड है आर मतलब रबर बॉन्ड है ठीक है ऐसे अलग अलग जो होगा ओ है तो वो सालिक बॉन्ड का होगा या जैसा भी हो वो कंपनी आपको मेंशन करेगी कैटलॉग के साथ कि किस बॉन्ड के लिए कौन सा आप यूज़ कर रहे हो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ग्रैंडिंग व्हील बिकॉज वी आर इवन वी आर गोइंग टू परचेज अ ग्रैंडिंग व्हील सो वी फाउंड ऑन द पैकेट ऑफ द ग्रैंडिंग व्हील देर इज ए स्पेसिफाइड कोड सो मतलब हमने डिस्कस किया कि वो फाइव डिजिट अगर मेंशंस है तो क्या कौन सा किसका क्या सिंबल है किस सीक्वेंस में तो हमेशा एब्रेसिव ग्रेन एब्रेसिव टाइप्स ऑफ एब्रेसिव फिर ग्रेन साइज फिर ग्रेड देन स्ट्रक्चर एंड बाउंड ये पाँच की सिक्वेंस होगी सिक्वेंसिंग यही होगी आपकी उसकी ग्रैंडिंग बिल स्पेसिफिकेशंस की ठीक है तो मतलब पहला मैंने बताया कि ये किस टाइप का है वो आपको पता चल जाएगा एब्रेसिव किस मटेरियल का बना है वो बता देगा ग्रेन साइज ठीक है कि ग्रेन साइज़ क्या है उसका क्या मतलब कि किस कितनी डेन उनका साइज़ क्या है पर पर यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं वो ग्रेन साइज बता दिया जाएगा कोर्स है मीडियम है फाइन है या वेरी फाइन है ठीक है देन स्ट्रक्चर ग्रेड है ग्रेड का मतलब क्या हुआ कि वो ग्रेड उसका क्या है सॉफ्ट है मीडियम है या फिर मतलब हार्ड मटेरियल के लिए किस टाइप का है उसका ग्रेड हो गया देन स्ट्रक्चर की बात अगर हम कर देंगे तो स्ट्रक्चर्स कि वो कैसा है कोर्स है टेंस है ओपन है या क्लोज है मतलब वो उस टाइप से है बॉन्ड्स में भी क्या हो गया आर सेम्बल है तो रबर हो गया ठीक है अगर आपके पास अगर कोई और सेम्बल यूज कर दिया ईस यूज कर दिया तो सेलेक्ट बॉन्ड का हो जाएगा वो ठीक है अगर वो किसी ने बी वर्ड यूज किया तो रेजिन बॉन्ड हो जाएगा वो तो यहाँ पे हो जाएगा ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से मैंशन रहेगी और इतने इस तरीके से नहीं होगी वो माइट भी इस तरीके से हो सी थर्टी पी फाइव आर ये ऐसे मैंशन कर दिएगा तो ये एक तरीका तो ये था दूसरा तरीका जैसे ये है कि अगर उसने कहीं पे एडिशनल कुछ डेटा दे दिया वो फाइव जो हमारे थे पी सी ए आर मैंडेटरी इन ईच स्पेसिफिकेशन टेक्निक दीज फाइव एलिमेंट्स आर मस्ट गिवेन ये ऑप्शनल नहीं है ये दिए ही दिए जाएंगे बट इन केस ऑफ अदर दे माइट बी ऑप्शनल आर नॉट और वो मैं भी एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूँ कि जैसे कि ये है उन्होंने अगर ये आप यू कैन सी हियर वन टू थ्री फोर फाइव दीज फाइव आर मैंडेटरी ये फाइव वही हैं जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था एब्रेसिव ग्रेन ग्रेड एब्रेसिव ग्रेन साइज है फिर स्ट्रक्चर ग्रेड है फिर वो आपका बॉन्ड है ठीक है और मैन्युफैक्चरर कोड ये दोनों चीजें हमारी ऑप्शनल है ठीक है वन थिंग मोर जैसे कि अगर आप इसके अलावा कुछ और चीजें अगर आपके पास आ गए तो एक तरीका यह भी होता है मैं आपको बता दूं कि अगर ये जैसे मान लीजिए कि आपको उसने दे दिया कि यहाँ पे 130, ठीक है 30 एंड 75, ठीक है पैरली उसने लिख दिया C 33 P 5 R, ठीक है और एडिशनली उसने कुछ और अपना यहाँ पे दे दिया 10 ये और ये ये मैन्युफैक्चरर का अपना सिंबल है और ये उसका डायमेंशन है जैसे कि डायमीटर ऑफ द व्हील ठीक है वेथ ऑफ द व्हील और ये बोर डायमीटर ऑफ द व्हील ये अगर इसने मेंशन कर दिया तो आपको ऐसे समझना होगा और इसके अलावा एक तरीका और है कि अगर उसने एक और दे दिया तो ये बस ये सारे ये दोनों 47 W एंड 50 दे और ऑप्शनल और ये जो होता है मैन्युफैक्चरर के कोड्स होते हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स में हम यूज़ कर रहे हैं और ये मे और मे नॉट भी हो ये ऑप्शनल हो सकते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है लेकिन बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये पांच जो हमारे पास है ये पांच के पांच आपको पता होना चाहिए और इसका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए सैम्बेलिकल यूज आपको सैम्बल वो माइट भी दे भी सकते हैं या वो नहीं भी दे सकते हैं अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन है आप उसको फॉलो करेंगे अगर वो दे रखा है तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करोगे आपसे अक्सर ये क्वेश्चन इसमें पूछ पूछा जाएगा कि वट इज द दल ऑफ दिस ये किसके लिए यूज हो रहा आरफ किसके लिए है या फिर आपसे ये भी पूछ देगा थर्टी थ्री सेकेंड नंबर पे जो डिजिट है थर्टी थ्री वो किसका क्या यूज हो रहा है ग्रैंडिंग वाले स्पेसिफिकेशन में ये क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछा जाता है ओके नेक्स्ट है ग्रैंडिंग कटिंग एक्शन बेसिकली कटिंग एक्शन सिंस इट इज द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस सो हियर कटिंग एक्शन विल टेक प्लेस

लाइक टू बी ये कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट होगा और यहाँ से ये रिमूव करते हुए लेके चला जाएगा यहाँ से बहुत स्मॉल लेवल पे यानी अगर ये हम बात करें तो ये यहाँ से ये इसके वथ्थ ऑफ डेफ्थ ऑफ कट ये हमारा डी है इतना उसने दे दिया है तो ये जो हमारा है यहाँ पे ये फ्लैट वियर से याँ भी यहाँ मेंशन नहीं कर इससे कोई मतलब नहीं है हमें यहाँ पे ये तो वियरिंग जब हम पढ़ाएंगे तो अब डिस्कस कर लेंगे अगर हम कटिंग एक्शंस की बात करेंगे तो ये है और ये जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो चिप्स के फॉर्म में है जिसकी थिकनेस टी हो गया ठीक है और यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स का जहाँ कटिंग एक्शन चूंकि ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह काम कर रहा है यहाँ पे सो इसके रैक एंगल भी होगा इसका शेयर एंगल भी होगा बट हमें में इतना डीप में नहीं जाना है बस हमें डिस्कस करना है कि जब कटिंग कॉन्टेक्ट कर रहा है कॉन्टेक्ट करके जब ये क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ कॉन्टेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये चिप्स को कॉन्टेक्ट करके यहाँ शेयरिंग एक्शन डेवलप करके और ये मूव करते फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो और चिप्स को रिमूव करता है तो ये इसकी कटिंग मेकेनिज्म है इसी तरीके से यहाँ मशीनिंग होती है ठीक है वेरी स्मॉल डायमेंशन का यहाँ चिप्स होता है उस चिप्स को आप यहाँ से ऐसे जोमेट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विल है डायमीटर डी है इसकी वेलोसिटी वी है थीटा एंगल है और ये कॉन्टेक्ट है यहाँ से ठीक है ये जो एल है यही चिप लेंथ है हमारे यहाँ से तो ये क्या ये वेलोसिटी वी जो है वर्क पीस की है स्मॉल बीस से और ये कैपिटल वी है रोटेट कर रहा है ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है रोटेट कर रहा है तो ये जो कॉन्टेक्ट यहाँ बना रहा है

यही एल है जो यहां पे, यहाँ पे मेंशन किया गया और टी टिकनेस है ठीक है अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे अंडर रूट स्मॉल डी इन कैपिटल डी स्मॉल डी डेप्थ ऑफ कट और कैपिटल डी जो है आपका डायमीटर ऑफ द व्हील सो इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करने से हम लेंथ ऑफ द चिप हमें मिल जाता है मटेरियल रिमूवल रेट की अगर हम बात कर दें तो स्मॉल वी डी और बी स्मॉल बी इज द वेलोसिटी ऑफ द वर्क पीस स्मॉल बी किसकी वाली वर्क पीस की जो कि यहाँ है और डी डेप्थ ऑफ कट है वही डी है, चला रहा आ रहा है पूरा और वी जो है ऑफ ऑफ कट कट है का मतलब जितना यहाँ थिकनेस इसकी आ रही तो है अलग है तो वेटकट है ठीक है अब हम नंबर ऑफ चिप्स रिमूवल पर यूनिट टाइम बात करेंगे आप कि हम जिसे में कैलकुलेट करें नंबर ऑफ चिप्स कितना रिमूव हुआ तो वो फाइंड आउट करेंगे एन इसका सिंबल है वी वी सी v अगेन है वर्क पीस वेलोसिटी b जो हमारा वेट तो ऑपकट है सी सी जो है पर यूनिट एरिया में कितना नंबर ऑफ एग्रेसिव ग्रेन्स के जो एजेस हैं वो पास कर रहे हैं पर यूनिट टाइम्स में एरिया का मतलब कितनी देर में पास कर रहे हैं जो नंबर ऑफ ग्रेन्स का नंबर हो गया तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ चिप्स कितना मिल रहा है वो हमें मिल जाएगा ये बेसिक सा हमारा बेसिक मैकेनिज्म था कटिंग एक्शंस का और इस फार्मूले से हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेशन कर सकते हम कटिंग फोर्स की भी बात कर सकते हैं बट हमारा इस सिलेबस तो में, में है नहीं तो इतने डेप्थ में जाना है तो हम कटिंग फोर्स की भी डिस्कशन नहीं करेंगे ये टॉपिक को हम ये फ़िलहाल ख़त्म करते हैं और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और सारी बातें करेंगे ये रेफरेंसेस हैं जो यूज़ हुआ इस लेक्चर्स में थैंक यू